शरीर को तो हम 70-80 साल की उम्र हो गई, 70-80 साल में 60 वर्ष तो कमाने में ही बीत गए, 60 वर्ष से बस कमाई कमा रहे हैं, लेकिन वो 60 वर्ष क्या कमाया? अगर कोई आपसे कहे कि भैया जो आपने 60 वर्ष कमाई की है, अब उसके बदले में वो यमराज महाराज से 60 वर्ष की कमाई के बदले में 60 मिनट मांग लीजिए कि 60 मिनट और हमें जीने दो, 60 मिनट बाद आ जाना, तो मिलेंगे? मिलेंगे कि नहीं? हाँ या नहीं? ऐसे मत बैठ जाना एकदम मुंह लटका के, कथा में जो पूछा जाए उसका साथ में उत्तर देना, तो लगे हाँ कथा सुनने आए। 60 साल की कमाई में अगर 60 मिनट मांगोगे तो मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। चलिए 60 मिनट नहीं मिलेंगे, 60 सेकंड तो मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। एक पलक झपकने का समय तो मिल जाएगा, हाँ या नहीं? नहीं। तो सोचो अब 60 साल हमने क्या मुनाफे का सौदा किया। सच्चा व्यवसायी कौन होता है? सच्चा व्यवसायी वो होता है जब हर जगह मुनाफा देखता है। अब बताइए क्या मुनाफा रहा? हमने तो घाटे का सौदा किया, 60 साल लगा दी और उसके बदले में 60 सेकंड भी नहीं मिलेंगे। व्यवसायी तो वही बुद्धिमान है जो, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि 60 वर्ष जो हमने कमाने में कर्म करने में लगाए हैं वो गलत है, गलत नहीं है। लेकिन उदाहरण के लिए कोई सेठ जी है, कोई गांव के शहर के सेठ जी है और उनकी एक फैक्ट्री चलती है, एक फैक्ट्री भी है और एक शहर में दुकान भी है। अब उनका बेटा थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ तो अब उनको लगता है कि अब इसको थोड़ा काम सौंपना चाहिए, इसको संभालने देना चाहिए, तो वो अपने बेटे को सीधा फैक्ट्री में नहीं बैठाता, पहले उसको दुकान में बिठाता है, पहले छोटा काम देता, दुकान में बिठा के देखता है कि देखूं ये दुकान का काम संभाल पाता है कि नहीं। हाँ, जब दुकान का काम अच्छे से संभालेगा तब सेठ जी को लगे अब ठीक है, अब इसको मैं फैक्ट्री का काम सौंप सकता। तो वैसे ही जो गोलोक है, जो वैकुंठ है, ये भगवान की फैक्ट्री है और जो पृथ्वी लोक है ये भगवान की दुकान है और ठाकुर जी सेठ जी और हम सब उनके बालक हैं। तो भगवान हमें वैकुंठ में गोलोक में बुलाने से पहले एक बार धरती पर भेजते हैं कि इसको धरती पर भेज के देखो अच्छे से काम करता है कि नहीं करता। अगर अच्छे से काम किया मन लगा करके तब भगवान हमको अपने गोलोक धाम में बुलाएंगे कि चलो यहाँ इसने अच्छे से काम कर लिया, अब इसको आगे का काम भी सौंप सकते हैं। और हाँ, दुकान पर भी सेठ जी अपने ही बेटे को बिठाएंगे, किसी और को नहीं बिठाएंगे, अपना जो बेटा होगा उसी को दुकान पर बिठाएंगे। तो ये पृथ्वी पर भगवान ने हमें भेजा, इसका सीधा सा मतलब है कि हम भी ठाकुर जी के बेटे हैं, बेटियां हैं, उन्हीं की संतानें हैं, भगवान हमें अपना मानते हैं, तभी उन्होंने हमें संसार में भेजा। अपना नहीं मानते तो संसार में नहीं भेजते, अपना नहीं मानते तो ये कथा सुनाने के लिए यहां पंडाल में हमें नहीं भेजते, अपना मानते हैं। इसलिए भैया धरती पर आए हो तो कुछ ऐसा काम करो, कुछ ऐसा मुनाफा निकालो कि ठाकुर जी भी खुश हो जाए कि हाँ ये मेरा पुत्र जो है ये संभाल लेगा, ये मेरी संतान संभाल लेगा।